उतारा उतारा। ये देखो मेमे को क्या खिलाते मेरे बच्चे, ये हमजा हमजा अब आ जाओ अंदर। हाँ। हमजा आप इधर आ जाओ, ओ बेटा आपके आप आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। नहीं भाई गर्म, ओ बीमार पड़ेगा, बहुत खराब धूप है। हमजा चलो अंदर आ जाओ अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो फिर से गोश्त यानी चमड़ा उखड़ गया इसका, और फिर ये कहीं से लगा का आए कुछ पता नहीं चलता। ये लोग क्या करते, इनको कुछ न कुछ, इसने इसकी टांग लंगड़ी कर दिए, तो बस ये सब ऐसे लंगड़े हो गए है। और यहाँ बेटी जा रही है, और मेरे बड़े जमाई और बड़ी बेटी उनके घर पे जा रहे हैं। तो अभी बेटी आती है जाती है, बेटी के घर पे काम चल रहा है, उनके घर पे पेंट हो रहा है। इंशाल्लाह मैं जब बेटी के घर जाऊंगी तो आपको बहुत अच्छा, मेरी बेटी ने और दामाद ने उनका घर बहुत ही अच्छा कलर पेंट कराया है, सब कुछ कराया है, इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और ये मेरे बेटे का, मेरे प्यारे, मेरे लाडले का, मेरे कलेजे का, मेरे जिगर के टुकड़े का मोबाइल की हालत देखो, ये बिल्कुल मोबाइल डेड हो चुका है। इसका कोई बटन भी नहीं चलता, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके बटन दबाओ, कुछ भी दबाओ, आपको देखने से तो ऐसा लगता है कि ये देखो, पर अंदर से खखड़ गया है, अंदर से बिल्कुल खलास हो चुका है, ऐसा को के डेट हो गया है, चलता नहीं है, ये चलता नहीं, इसकी स्किन नहीं चलती। बटन दबा के स्किन को दबाओ। तो बस आजकल मेरे बेटे के साथ में क्या खबर, क्या क्या ट्रेजेडी हो रही है। अभी तो ये मोबाइल ये डेट हो चुका है, नहीं चलता है बिल्कुल भी, इसकी हालत ऐसी है कि इसको फेंक दो तो कुछ नहीं। अब ये इसको देखो, बटन दबाए मैंने, कुछ नहीं, चलता नहीं है, ख़त्म। तो यहाँ मोबाइल ख़त्म हो चुका है। और ये उस कल की वीडियो है, यानी जुमेरात की दिन की, कि बुधवार के दिन की वीडियो शूट कर ली थी, तो उस दिन मैंने आपको मगरिब की नमाज़ पढ़ के दिखाई थी। ये ईसा की नमाज के टाइम की वीडियोज़ है, और अभी मेरी आयत भी जब घर पर थी तब की वीडियो है। तो यहाँ बाजू पर मेरे हमजा और आयत भी नमाज़ पढ़ेंगे। घर में अगर आप नमाज पढ़ते हो तो आपको देख के, आपके बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको देख के नमाज पढ़ते हैं और अच्छे अखलाक सीखते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने रोज़ नमाज पढ़े, यानी मुसलमानों को नमाज कोई भी हालत में, कैसे भी हालत में हो, माफ़ बिल्कुल भी नहीं है। तो रोज़ाना नमाज पढ़ो, अगर माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, वो सबको रोज़ाना बच्चे नमाज पढ़ के देखते हैं तो बच्चे खुद ब खुद नमाज पढ़ते, उनको नमाज पढ़ने का कुछ भी नहीं कहना पड़ता। तो ये हमजा को माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, देखो कितनी अच्छे से माशाल्लाह, ये सब इनको क्यों आ रही है, क्योंकि रोज़ दिन रात बच्चे, इतना छोटा बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ बाप, मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी यही काम करते, तो इस वजह से ये बच्चों को कहना नहीं पड़ता कि आप सजदे में जाओ, आप इस तरह से करो। तो आपके घर का माहौल ऐसा बनाओ, बचपन से बच्चे नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ऐसा माहौल बनाओ। तो बस यहाँ बाजू पे मैंने ये केरीमल वाली जेलीस जमाई थी, बच्चे आए हैं, वेकेशन है आप सबको पता है, तो मेरे बच्चे अब कुछ दिन में चले जाएंगे, तो मेरे को ऐसा होता है मेरे बच्चों को क्या क्या अच्छा अच्छा बना के खिलाऊँ। तो बस यहाँ बाजू पर मैंने जेली जमाई थी चॉकलेट वाली, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तैयार रोमान मिजना, और देखो इनकी प्यारी बहन हाथ से खिला रही है जेली भी, वो मेरी बेटी, छोटी बेटी, सबको हाथ से खिला दिया। और यहाँ बाजू पे देखो पिज़्ज़ा लेकर आए मेरा बेटा जी, तो बस अभी बच्चा है तो पिज़्ज़ा जेली सब बनता है। और ये देखो, ये मेरा हमजा को देखो, एसी चालू है ना, तो मेरा हमजा बारी है विंडो, तो विंडो पे चढ़ के ना हमजा खेल रहे। चलो थोड़ी सी हमजा की आवाज़ थोड़ी सी सुना दो आपको। यहाँ पर हम चले गए अब सब्जी लेने, यहाँ पर नानी मम्मी बता चुके हैं। यहाँ पर बस मेरी नानी मोम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स।
हमारे यहाँ ना अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स मिलते हैं। हमारे भैया काका जो है ना बहुत अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स लगते हैं, तो बस यहाँ पर वेजिटेबल्स मिल रही है। भैया काका ने क्या कह रहे हैं, धनिया भी देते हैं। मम्मा खोलो, मम्मा खोलो, बिस्मिल्लाह। तो मैंने आप लोगों को बोला जैसे कि बस अभी बच्चा है, तो ये मैंने ढोकले बनाए हैं चने की दाल के, बहुत ही अच्छा खमण बोलते हैं ना खमण। तो अम्मी आए थे तो अम्मी बोलते मैं बना दूंगी, लेकिन अम्मी आए थे ना तो बहुत थक गए थे तो नहीं बनाए फिर। और यहाँ मैं भजिए बनाऊँगी तो जीरा, लहसुन, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, अदरक लहसुन ये सब डाल के ना थोड़े से डाल के मैं बनाऊँगी भजिए चने की दाल के। और ये देखो मैंने ढोकले बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और यहाँ बच्चे खा रहे हैं आम, क्योंकि अभी हमारे हाजी साहब कल की वीडियो में मैंने दिखाया था ना कि थैले पोटले में क्या लेकर आए थे, तो बस बहुत सारे आम लाए हाजी और पक भी गए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के जाने से पहले। तो यहाँ मेरे बच्चे खा रहे हैं केरी आम क्या बोलते, और तो केरी खाने के बाद में फिर गुटलियाँ छिलटे डालने जाएंगे हमारे वहाँ बकरियों को। तो यहाँ बाजू पे बकरियों को पहले छिलटे डालने जाने से पहले यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने ये बाद में जो दाल के भजिए बोलते हैं ना उसके अंदर खूब सारे धाने, लीली मिर्ची और प्याज डाली है, और इसमें कोई गरम मसाला कोई चीज़ नहीं डालती, सिर्फ नमक हल्दी डाल के कम मसाले में बिल्कुल बनाती हूँ ये दाल वड़े, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही यम्मी यम्मी बनते। और ये खमण ढोकला भी इतना यम्मी यम्मी बनाए ने मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा। मैं आपको एक चीज़ यानी तोड़ के दिखा, थोड़ा सा हाथ में लेके दिखाती हूँ कि कैसा पोंची पोंची बनता है ना, ऐसा पोंची पोंची ढोकला बनाया है। तो आप लोगों को कैसा दिख रहा है ढोकला, आपको ढोकला देख के ढोकला खाने का मन हो गया मेरे को पता है। तो यहाँ बाजू पे मैंने थोड़ा स्पीड फास्ट कर दी, तो रुको मैं थोड़ी सी स्पीड धीरी करती हूँ, और वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है इस वजह से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है ताकि आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो मेरी वीडियो देखने से। तो ये देखो कितना पोंछा, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा बनाए, और खाने में भी इतना टेस्टी बनाए ना, यम्मी यम्मी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। मैं एक बार आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना आराम से टूट जावे इस तरह से। तो बस ये मैं एक हाथ में मोबाइल लेके यानी हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ, मैंने ट्राइपॉड पे नहीं लगाया इसलिए। यम्मी 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 बहुत ही टेस्टी बनाए लाजवाब। और ये अभी बस ढोकला बनाया है, बच्चे यहाँ बाजू पर आए हैं मैंने आप लोगों को बोला, तो बस अभी हमारा पूरा वेकेशन खाने पीने में मसाला मसाला। और आज मेरे बच्चे ने डायपर पहना है क्योंकि इसकी मम्मा बोलती कभी टी शर्ट पे ही केरी खा रहे थे बच्चे, तो केरी खाते नहीं तो गिराते, तो मैंने सोचा चलो आम के साथ में ये आप लोग ये भी यानी दे देती हूँ मैं ढोकला भी। तो बच्चे आए हैं तो मैंने सिर्फ खाने पीने की वीडियो शूट की है, बाकी तो बहुत सब वीडियो होती है, लेकिन अभी खाना पीना अच्छा लग रहा है तो मैंने बस वही वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ मैंने भजिए का बैटर बिल्कुल तैयार है, शाम को बनेंगे हमारे वहाँ गर्मा गर्म भजिए। तो बस चलो बच्चे जा रहे बाहर बकरियों को ये आम के छिलटे, जो हमने आम खाई छिलटे हम बकरियों को खिलाते, तो बस यहाँ मिजदान हुमान सब देखो किस तरह से बकरियों को छिलटे खिलाते। चलो आप लोग मेरे साथ आ जाओ और इन्जॉय करो आप लोग भी यहाँ बाजू पे बकरियों के साथ में। हमजा आप धूप में काले हो जाएंगे, इधर आ जाओ हमजा, अब आ जाओ अंदर बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, मोहम्मद अली अब अंदर आ जाओ, उतार हाँ उतारा देखो मेरे को मेरी उतारो, अरे बेचारी को उसको दे दो। हाँ उतारा उतार, ये देखो मेमे को क्या खिलाते मेरे बच्चे, ये दो स्कूटर
हमजा हमजा आप आ जाओ अंदर, हमजा आप इधर आ जाओ, ओ बेटा आपके आप आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, नहीं भाई गर्म ओ बीमार पड़ेगा, बहुत खराब धूप है, हमजा चलो अंदर आ जाओ अंदर। कौन गांडी बनी है, गांडी कौन बनी है, वो गांडी बनी है, मेरा ताहिया है हमजा हमजा, देखो हमजा बकरियों को, ये देखो मेरे बच्चों को देखो, मैं बकरियों को देखो, मार देगी बेटा मार देगी। हाँ मैं क्या लेंगे बेटा, घर में आ जाओ हैं, बकरियों को मैंने कचरा भी मैं जमा करके रखती हूँ, प्याजों का थोड़ा सा आगे जाके डाल बेटा, आगे जाके डाल, अजू उनके नजदीक जा बेटा, नजदीक जाके डाल, थोड़ा थोड़ा सबको डाल दे, थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे बच्चों को, देखो हमजा आजो बेटो, आजो हमजो, मेरा हमजा आया, मेरा बेटा आया, नानी का बच्चा, नानी का बच्चा, देखो 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 प्यारी प्यारी नानी का बच्चा, ये रिया ना बहुत धूप है, अंदर आ जाओ बेटा, बस है ना, है खाना खत्म, खाना खत्म, चल ये देखो ये पट्टा आ गया हैगा, पट्टा लगा मामा को कुत्तों से क्या हुआ, कुणा करते मेरे को, मैं आज इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं आज इनको नहीं छोड़ूंगी, मेरे को रोज चुटिया फोड़ते, ये देखो ये सख को, ये मेरे को रोज चुटिया फोड़ते, चीड़ी चीड़ी चुटिया फोड़ते मेरे को, नहीं तुमने मेरे को चुटी खोनी है, मैं पर खुद देखो खुद को नहीं छोड़ने देते, देखा आप लोगों ने आजी साहब को, देखो ये इनको चूटी खुनने की बहुत आदत पड़ गई है, और ये मैंने अभी आपको दिखाती हूँ, आज मैं इनको बदला वसूल करके रहूँगी, मैं भी आज इनको खून के रहूँगी, वो भी ऑन कैमरा, कब खूनूँगी वो भी आप देखिए आपको दिखाऊँगी, लेकिन वो अपने को इतना संभालते कि जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ मेरे बेटे ने पोपट फिर से पोपट पाल लिया है, तो यहाँ बाजू पर बेटे को पट्टा आ चुका हैगा, तो दुआ करना बेटे के लिए, अल्लाह पाक जल्दी से मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती देवे, और अल्लाह जल्दी से इसका पट्टा खुल जावे ना, अच्छा हो जावे, तो बस। और यहाँ बाजू पे हाजी साहब को चूटी खुदने किए, देखो धीरे से, अभी इनका ध्यान नहीं है ने, मैं आज बदला तो वसूल करूँगी, ना हो दवा लानी पड़ती, कितने दिन लगाएगा, कितने दिन हुए, हाँ ना कल शाम को लगा, नहीं यहाँ देख लो ये वामिटा भी हो गई है उसके वजह से, इसको सिम जो इसके लिए वामिटा हो गई यहाँ थी वहाँ, ऐसा ये मेरी चंपल वहाँ कौन लेके चला गया, देखा आप लोगों ने बेटे का 2 से 3 दिन पहले से इसके पाँव में तकलीफ थी, लेकिन वो उसको बोल रही थी कि मैं जा तू बेटा पहले जाके हार्टबीट के वहाँ जाके ने दवा लेके आ दवा लेके आ, लेकिन नहीं सुन रहा था, तो आखिरकार इस हाजी साहब इसको लेके गए, हाजी साहब गाड़ी पे लेके गए, और अभी ये पट्टा बंधा के ने लेके ना आए हैं, तो ये रांधेल वाले के वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, रांधेल वाले के वहाँ जाके पट्टा बंधाया, तो यहाँ दवा लगाई है इसने, क्या हट गया, उसने बोला कुछ होता, वो क्या बोला, इधर साइड वो बाप रे, देखो देखो बेचारे मेरे बच्चे का, इधर साइड कुछ हट गए तो उसने बिठा दिया, इधर साइड कुछ हट गए ये क्या, इधर साइड हट गए तो उसने बिठा दिया, चलो बिठा दिया, इसके लिए पूछा नहीं कपड़ों को, समझ पड़ती नहीं कि क्या हटाने क्या बिठाया, उसने बिठा दिया काम हो गया, तो पर तेरे पूछना तो चाहिए तुम्हारे लोगों के क्या हटाने क्या बिठाया, तो उसका अब्बा हट गया तो बिठा दिया, अच्छा अब्बा हट गए थे, बोलो रांधेल वाले की वासी दवा लेकर ये कोई के जाना हो, रांधेल वाले का वहाँ बहुत अच्छा है, बिठा दिया इसको, अच्छा है देख लो भाई,
बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते हैं, तुमने कहा पट्टा बंधवाया, तो भाई हमने यार आंदेल वाले के बड़ों दे पट्टा बंधवाया, कोई ना पूछे कहीं खाने अरे बेटा बहुत से को बिचार को तकलीफ होती है ना, तो फिर मेरे को बाद में कहते आप स्किन चोट पाड़ के दो, तो अब मैंने ये दे दिया भाई आपको, पाड़ लियो अब आप लोग जिसको जरूरत हो स्किन चोट पाड़ लियो। और यहाँ पे चने की दाल के बन रहे भजिए पकौड़े क्या बोलते, तो बेटी बना रही है एकदम छोटे छोटे लखोटे जैसे मेरी बेटी बना रही है, मैं बड़े बड़े बनाती हूँ लेकिन मेरी बेटी एकदम छोटे छोटे बना रही है, कोई बात नहीं। तो चलो दस्तरखान पे लेके चलते हैं बच्चों के साथ में, तो बस अभी यहाँ भजिया पार्टी पकौड़ा पार्टी चलेगी। नो माँ मेरा बच्चे को देखो, मेरे बच्चे के लिए दुआ करियो, मेरा बच्चा जल्दी जल्दी से अच्छा हो जावे। तो बस यहाँ बाजू पर हमारा अभी खाना पीना और ये लगता है, और आई होप आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड बिल्कुल भी मत भूलना, ये आपके तरफ से प्यार और मेरे लिए इनाम है। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खूब सारी दुआओं में याद। तो अभी हम यहाँ बाजू पर चल रही है, देखो मेरे बच्चे की मस्ती, तो चलो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चे नहीं खा रही है, मम्मा चलो मम्मा चलो चलो चल आ जा, चल मम्मा आते मम्मा मम्मा आते आ जाओ चलो। क्या मिर्ची खाएगी? आहा देखो मिर्चा मिर्ची खा रही है, मिर्ची तीखी तो नहीं है मिर्चा? नहीं है ना? देखो सब एसी की हवा निकल जाएगी, सब हवा निकल जाएगी, गर्मी आ जाएगी वहाँ की। आजा इधर आजा मेरा बच्चा आजा, मम्मा खा ले, मामा खिला देते, मामा खिलाते, मामा खिला दो हमजा ओ मेरा बच्चा बैठ के मेरा हमजा। माशाल्लाह कितनी भाई भाई का प्यार, देखो 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 भाई का प्यार, भाई का प्यार। दवा पी ली इतनी जल्दी? अच्छे बनाए, अब बता किसने बनाए जल्दी इधर देख का अभी, अभी नहीं अभी किसने बनाए थे? ओके किसने बनाए भज्जे, किसने बनाए जल्दी तो? हाँ दोनों ने बनाए ना, नानी ने मम्मी ने दोनों ने बनाए। वो हमजा क्या हुआ आपको, क्या हुआ? आ जाओ ना इधर, तेरी मम्मी ने फ्राई करे, अच्छे फ्राई करे ना मम्मा ने। हाँ ये मम्मा दूसरे भी लेके आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो फिर से खाओ।